तथागत गौतम बुद्ध कहते थे कि हर पुरुष की चार पत्नियां होती है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। भगवान बुद्ध ने यह कहानी एक बार अपने शिष्य को सुनाई थी। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक आदमी की चार पत्नियां थी। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी थी जहां पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां भी रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ने लगा और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पहली पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा, पर अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? उस आदमी को पूरी उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे पति। फिर उस बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उस पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। क्या तुम मेरे साथ मरने के बाद चलोगी? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। फिर मृत्युशैया पर लेटे हुए उस पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने अंतिम सफर पर साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रियतम, मुझे आप पर दया आ रही है और आपके लिए दुख भी हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ नहीं चल सकती। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ चलने के लिए इनकार कर दिया, तब उस आदमी को याद आया कि उसकी एक और पत्नी भी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे धुतकारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहेगा तो वो पक्का मना कर देगी। हालांकि वो इतना डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी को भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की और चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर उसकी चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। एक पति और चार पत्नी की कहानी समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, प्रत्येक पति की चार पत्नियां होती है और प्रत्येक महिला के चार पति होते हैं और हर एक का एक खास मतलब होता है। बुद्ध ने आगे कहा, पहली पत्नी यानी कि हमारा शरीर, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, हम पहली पत्नी की तरह हमारे शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी कि पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती। जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की होती है। हम उन चीजों को खोने से भी डरते हैं
और ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य में जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली ही होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था कि आपने मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। सो दूसरी पत्नी यानी भौतिक चीजें भी हमारे साथ नहीं आ सकती। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। तीसरी पत्नी हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आँखों में आंसू लिए हमारे साथ स्मशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपनी पहली, दूसरी या तीसरी पत्नी यानी कि शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने आगे कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम है। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। दोस्तों, इंसान के अंतिम समय में उसके साथ ना तो उसका शरीर साथ देता है, ना ही धन संपत्ति, पद नौकरी या ना ही रिश्तेदार साथ आते हैं। इंसान के कर्म ही उसके साथ आते हैं, फिर चाहे आपके कर्म अच्छे हो या बुरे। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, क्या तू लेके आया है और क्या लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।